ये
मैं आज दाई की स्थिति कहां पर आ गई और मैं आपसे अपने हृदय की वेदना व्यक्त कर रही हूँ। मुझे लगता है जब मैं बाहर निकल करके देखती हूँ, आप मार्केट में चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ और कोई भी छोटे से छोटा गुर्जा पर, यहाँ तक कि जूते बेचने वाला या जूते आपके फट टूट गए हैं तो सिलने वाला भी यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसका विज्ञापन नारी के साथ होगा, नारी का फोटो लगाएगा। जूते बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला और भी जितने भी आइटम है बता के आएंगे तो उन पर भी नारी के फोटो। मैं सोचती हूँ क्या नारी विज्ञापन की वस्तु जिसके लिए भगवान कहा गया, ये क्या विज्ञापन की चीज है? लेकिन आज तो ऐसा ही हो रहा है तो फिर मुझे वो चार लाइनें याद आ रही हैं, बहनो सदाचार सदज्ञान बिना मानव आदर्श बने कैसे, फैशन प्रदर्शन तन करती फिर बड़ा दुकान रुके कैसे, विज्ञापन का मॉडल बनती नारी सम्मान बढ़े कैसे, है चाह विश्व सुंदरी बनने की दुर्गा सा नाम बने कैसे, निज लाज शील की रक्षा बिन जब में सम्मान मिले कैसे, जब नैतिक पतन किया तो मैंने जीवन उत्थान करे कैसे, जब नैतिक पतन किया तो मैंने जीवन उत्थान करे कैसे। हमें देखना होगा अपने आप को। हमारे यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, जब विद्याध्ययन काल होता था और उनको विद्या दी जाती थी जो गुरुजन के होती थे, जो पढ़ाते थे विद्यालयों में, जो पढ़ाते थे गुरुकुलों में, आजकल तो मास्टर और टीचर हो गए थे, लेकिन पहले यहाँ पर आचार्य थे और उनको आचार्य जी भी बोला करते थे। उसका एक मतलब होता था, टीचर का तो मैं वैसे विनोद के रूप में कह रही हूँ, टी कहते हैं चाय को, चल कहते हैं पीने वालों को, है ये टीचर है, मास्टर मास कहते महीने को, महीने केवल ये चिंता रहती है कब महीना आए और वेतन मिले, मास का वेतन लेकिन करने वाली है, तो इनका मतलब नहीं था। लेकिन पहले यहाँ कौन थे? आचार्य, उसका मतलब था। विलुप्त में जब हम पढ़ेंगे तो व्यास जी कहते हैं आचार्य कस्मा, आचार्य कौन है? तो कहते हैं आचार्य आचरण गायती आचमोति अर्थात बुद्धि की दीवा, अर्थात आचार्य वो है जो अपने शिष्यों को आचरण की शिक्षा देता है, आचरण की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। और एक कहावत भी आज कुशलता है, आपने भी वो पढ़ी हो, एक कहावत पढ़ाई जाती थी बहनों यहाँ पर, कहा जाता था मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यहाँ पर आचार्य पढ़ाए मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट बट करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब होता था धन चला गया तो कोई हानि नहीं हुई, धन चला गया कोई पछताव नहीं, कोई हानि नहीं हुई, दोबारा आप अर्जित कर लोगे। और यदि आपका हेल्थ चला गया, स्वास्थ्य चला गया तो समझो आपने कुछ खो दिया, कुछ खो दिया बट करेक्टर इज लॉस्ट। लेकिन आपका करेक्टर चला गया, चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया, अब आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन आज इस स्थिति का आचार्य की शिक्षा थी, लेकिन आज जो मास्टर की शिक्षा है, आज जो वर्तमान स्थिति बन गई है, आज हम जैसे साधारण लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, करेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, करेक्टर चला गया कुछ बात नहीं, जाने जो सबसे पहले ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया और सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया, करेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट बट मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र चला गया जाने की साधारण सी बात है, स्वास्थ्य चला गया सोचते हैं थोड़ी बहुत हानि हुई है बट मनी इज लॉस्ट, धन चला गया था ओ अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं लुट गया गरीब हो गया कंगाल हो गया। आपने सीता का नाम सुना होगा, मुझे देखो कितनी प्रसन्नता, सब बहनों ने गर्दन हिला दी और आप ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करती हो आपको पता होगा, मात्र मैंने देखा है अपनी आंखों से, आज तक के परिवेश में जब माता बहनों में लड़ाई करना ही हो जाता घर परिवारों में, तो चाहे लड़ाई कहीं से शुरू हो उनकी लेकिन अंत में वो कहती है आपस में अरे तू ज्यादा हमने देखी है सीता है, तू ज्यादा सारी चाहिए। एक बार जब मैं सुन रही थी तो मैंने सोचा वाह मेरी सीता माँ
आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका स्थान कितना पूजनीय है। लड़ाई के बीच में वो सीता आ जाती है। क्यों आती है सोच रहे हैं? एक राक्षस के कैद में रहकर के भी जो अपने चरित्र को, अपने धर्म को, अपने सतीत्व को सुरक्षित रखती है, ये साधारण सी बात नहीं है। और आपको गर्व होना चाहिए कि उसी देश के अंदर आपको पैदा होने का मौका मिला है। ऐसी देवियों का देश, सती सावित्री का देश है, पद्मिनी का देश है, जो हंसते हंसते 14,000 देवियों को लेकर के इतना सुंदर थी वो पद्मिनी के उससे ज्यादा सुंदर आज तक कोई नहीं हुआ है। लेकिन जब अपने आंदवान शान पर आज आई, आंदवान शान पर जब बैठना उसको लगा कि खत्म होने वाला है, तो इसकी रक्षा, सतीत्व की रक्षा, धर्म की रक्षा को 14,000 देवियों को लेकर के जीवित नीचे सामने चल गई। ऐसी बहनों का, ऐसी देवियों का देश है। इसलिए मैं बहनों आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी जो गरिमा थी, हमारे जो आदर्श थे, आज हम उसको अपने समक्ष प्रस्तुत रखें, उनको याद रखें। हम यहाँ पर आती है मेरी बहने विद्या अध्ययन कर रही है। मैं आपसे कहूंगी कि जो चरित्र है मानवता की सबसे बड़ी कुंजी, यदि कोई है तो व्यक्ति के जीवन में चरित्र हुआ करता है। यदि उसके पास में चरित्र नहीं है तो चाहे आप कितना धन कमा लेना, कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाना, लेकिन वो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट कभी नहीं हो सकता और दुनिया में सम्मान भी उसका वो लोग कभी नहीं हो सकता। और वो अपनी निगाहों में ही खुद गिर जाता है। इसलिए अपनी निगाहों में मत लीजिए, अपना आत्मनिरीक्षण करिए और आज सबसे ज्यादा